नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। श्रावस्ती में भाई ने बहन की हत्या कर शव को आंगन में ही दफना दिया, जिसकी वजह से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई कराकर शव को बाहर निकाला गया। ऑनर किलिंग में हत्या किए जाने का शक बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। मृतका के भाई के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। सिरसिया थाना क्षेत्र के बड़का धर्मांतपुर गाँव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो श्रावस्ती का एक पूरा मामला है, जहाँ पर एक भाई ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया है। और उसके बाद वो यही नहीं रुका, उसने शव को अपने आंगन में ही दफन कर दिया। जब इसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई कराई गई है। शव को बाहर निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्या सच है वो सामने आ पाएगा। ऑनर किलिंग का शक यहां पर जताया जा रहा है। तो मृतका के भाई के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिरसिया थाना क्षेत्र के बड़का धर्मांतपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो श्रावस्ती में एक भाई ही अपनी बहन का हत्यारा बन गया है। हत्या करके शव को आंगन में ही दफना दिया। आसपास के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद खुदाई कराई गई। खुदाई कराने के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया है। आखिर भाई ने अपनी ही बहन को क्यों मारा है, इसके पीछे की क्या वजह है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। तो श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के बड़का धर्मांतपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सूर्य प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले पर? क्या खुलासा हो पाया है कि आखिर एक भाई ने ही अपनी बहन को मौत के घाट क्यों उतारा? देखिए, आपको बता दें, श्रावस्ती के थाना सिरसिया क्षेत्र अंतर्गत धर्मांतापुर एक गाँव है, जहाँ एक बहन फोन के माध्यम से किसी से बात कर रही थी, जिसके लिए भाई को ये बात करना उसका पसंद नहीं आया, उन्होंने मना किया। इसके लिए भाई और बहन में विवाद भी हुआ था और कुछ ही दिनों के बाद विवाद के चलते बहन ने आत्महत्या कर ली, जिसके शव को परिजनों ने अपने ही घर में गड्ढे खोदकर दफना दिया था। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आंगन में ही दफनाया गया है, इस बात की जानकारी कैसे हुई? क्या किसी ने देखा या किसी को शक हुआ? नहीं, 8-10 दिन बीतने के बाद जब वो लड़की गांव में कहीं किसी के पास नजर नहीं आई, तो वहाँ के जो चौकीदार होते हैं, ग्राम पंचायतों में नियुक्त चौकीदार होते हैं पुलिस विभाग के, उन्होंने इस मामले की सूचना दी। ग्रामीणों के माध्यम से उसको सूचना मिली, जिसने पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने लगी, लड़की का तलाश करने लगी। तो लड़के की तलाश न मिलने पर उसके घर में भी निरीक्षण किया गया। इसके बाद आंगन में उसका एक मट्टी कटा हुआ कोई चीज दिखा, जिससे पुलिस को शक हुआ। प्रकाश, ये कहा जा सकता है कि जो ऑनर किलिंग की घटनाएं हैं वो अब भी कहीं ना कहीं हो रही हैं और श्रावस्ती का ये जो मामला है ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह का प्रतीत हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है? देखिए, अभी एसपी का बयान आया इस मामले को लेकर, उन्होंने कहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया है और विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो भी इसके मामले के दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो श्रावस्ती का एक पूरा मामला है, जहां पर इस घटना ने पूरे इलाकों को दहला दिया है। बताया जा रहा है कि भाई ने ही अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। ऑनर क्लीन की घटना फिलहाल बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।
वहीं हाथरस में रंजिश के चलते डायल 112 पर तैनात होमगार्ड को गोली मार दी गई। हालत गंभीर बताई जा रही है। आपसी विवाद के बाद डीजे संचालक ने सदर कोतवाली क्षेत्र में डायल 112 पर तैनात होमगार्ड को गोली मारी है। गोली लगने से गंभीर घायल होमगार्ड को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने होमगार्ड की हालत को गंभीर देखते हुए उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डायल 112 पर तैनात गार्ड की गोली लगने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी। इलाका पुलिस से घटना के बाद होमगार्ड को गोली मारने वाले आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला अलगर्जी नगला की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। देर शाम की घटना बताई जा रही है जहां पर कुछ आपसी रंजिश थी और आपसी रंजिश के चलते डायल 112 पर तैनात होमगार्ड को गोली मार दी गई, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गया। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि डीजे संचालक है कोई जिसने ये गोली चलाई है। हालांकि वो अभी फरार है, उसके साथी भी फरार बताए जा रहे हैं। उसको लेकर एक टीम भी बना दी गई है और टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला अलगर्जी नगला की पूरी घटना बताई जा रही है। आज दिनांक 21/7/22 को समय 9:30 बजे रात सूचना प्राप्त हुई कि नगला अलगर्जी में एक व्यक्ति को गोली मार दी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हाथरस गेट और मैं मौके पर पहुंचा तथा घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आया। घायल व्यक्ति ने अपना नाम योगेश पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी बिजारी थाना सासनी बताया है तथा यह भी बताया है कि वो होमगार्ड में नौकरी करता है तथा अजय डीजे वाले जो कि नगला अलगर्जी में रहने वाला उसके पास गया था, उसी ने उसको गोली मारी है। इन लोगों का पूर्व में एक महिला को लेकर विवाद हो गया था, अजय आज उसके पास गया था, उसी समय उसको गोली मारी है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? डायल 112 पर तैनात होमगार्ड को गोली मार दी गई है, डीजे संचालक आरोपी बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी और पुरानी रंजिश क्या थी? जी काजल, मैं बता दूं कि जो ये होमगार्ड है योगेश, ये थाना कोतवाली सदर में पीआरवी 112 पर तैनात है और ये किसी पुरानी रंजिश, चूंकि अभी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है इस चीज का कि आखिर पुरानी रंजिश क्या थी डीजे वाले से, इसके पास जब वो देर रात को पहुंचा है तो अजय नाम बताया जा रहा है, उसने गोली चलाई है होमगार्ड पर और उसी के दौरान ये घायल भी हुआ, जिसे घायल पर जब मौके पर पहुंची पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, वहां डॉक्टरों द्वारा उसे गंभीर हालत में देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया है। और मामले की जांच में सीओ सिटी मनोज कुमार शर्मा द्वारा कहना है कि मामले में दबिश दी जा रही है और तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, और इसमें कितने आरोपी बनाए गए हैं और जो होमगार्ड है उसकी हालत क्या बताई जा रही है और जो होमगार्ड के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है? कितने सालों से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, कैसे पहले कोई धमकी कुछ ऐसा मामला सामने आया? जी काजल, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, ना ही परिजनों ने कोई ऐसा आरोप या वो लगाया है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो बताया गया घटना की जानकारी जो होमगार्ड ने दी है उसके थ्रू ये पता लगता है कि केवल एक ही आदमी था अजय डीजे वाला, उसी ने होमगार्ड के ऊपर गोली चलाई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हाथरस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर आपसी रंजिश में 112 पर तैनात होमगार्ड को गोली मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में यही कह रही है कि टीम बना दी गई है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजन किसी तरह का कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जो कि डीजे संचालक है। वही संभल में बड़ा हादसा होने से टला है। कावड़ियों का जत्था निकालने के दौरान बिजली का खंभा टूट गया। विद्युत फॉल्ट के साथ अचानक बिजली का खंभा टूटा। हादसे में सदर इंस्पेक्टर ओमकार सिंह बाल बाल बचे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर यहां पर गश्त कर रहे थे। सूचना मिलने पर एसपी चक्रेश मिश्र सहित पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। टूटा खंबा और फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के आर्य समाज रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कावड़ लेकर लोग निकल रहे थे, उनका जत्था यहाँ से निकल रहा था, तभी अचानक जो बिजली का खंभा है वो टूट गया और जिसकी वजह से फॉल्ट हुआ। फॉल्ट होने के बाद बिजली का खंभा नीचे गिरा। इस हादसे में सदर इंस्पेक्टर ओंकार सिंह बाल बाल बच्चे हैं, जिसकी वजह से मौके पर फतफरी का माहौल भी देखा गया। पुलिस बल के साथ वो लगातार गश्त कर रहे थे ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सूचना मिलने पर एसपी चक्रेश मिश्रा भी पुलिस अफसरों के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। फॉल्ट होने की वजह से बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी मैं आपको बता दूं, ये रात की घटना है। रात का घटनाक्रम है। आर एस समाज गेट पर कांवड़ियों को सावन माह चल रहा है, सावन माह को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कांवड़ी जो है उनसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए रात भर पुलिस गश्त कर रही थी। रात ओमकार सिंह कोतवाल के मेयर फोर्स के गश्त कर रहे थे, अचानक जो है खंभा गिर जाता है। खंभे से फाइट जब गिरता है तो वो उनके बराबर से गिरता है, उसमें अचानक फाइट होता है। फाइट होने में उपलब्धि का माहौल हो गया। जब प्रशासन अधिकारियों को पता लगा तो मौके पर आलोक श्रीवास्तव और एसपी चक्रेश मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां का जायजा लिया। जायजा लेकर खंभा रात को ही सही कराया गया। उसके बाद जो है जाके लोगों में राहत की सांस हुई थी। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि अब बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही है, क्या अब वापस लोगों को जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी की गई है या फिर अभी भी लोग अंधेरे में हैं? और जो यहाँ पर इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं ओंकार सिंह, उनकी हालत ठीक है? जी, ओंकार सिंह सहित पांच कांस्टेबल और थे उनके साथ में जो गश्त कर रहे थे, जो सुरक्षा दे रहे थे कांवड़ यात्रा के जत्थे को, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि क्षेत्र जो पड़ता है वो एचएम का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए अधिक संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया था उधर क्षेत्र में। उसके बाद जब खंभा गिरता है, उसके बाद जब खंभा भीड़ में गिरता है, अच्छा सबसे बड़ी सहूलत की बात ये थी कि कांवड़ यात्रा थोड़ी सी आगे निकल चुकी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पीछे था उस समय, उनसे बराबर से खंभा गिरा। उसके बाद विद्युत विभाग को सूचना दी गई, लाइट बंद कराई गई। लाइट बंद कराने के बाद पहले तो प्रशासन ने सांस रात की सांस नहीं ली थी जब लाइट बंद कराई गई। उसके बाद जो है उसके बाद विद्युत कर्मचारी जो आते हैं विद्युत खंभा खड़ा करके विद्युत सप्लाई भी चालू कर देती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो संभल की तस्वीरें जहां पर कांवड़ियों के जत्थे को यहाँ से निकल रहा था और तभी अचानक बिजली का जो पोल है वो टूट कर नीचे गिर गया, जिसमें सदर इंस्पेक्टर बाल बाल बचते हुए नजर आए। एटा मेडिकल कॉलेज के नेत्र चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अवैध वसूली का अड्डा बन गया है, बड़ी जानकारी मिल रही है। नेत्र चिकित्सक सोहन लाल खुद ड्राइविंग लाइसेंस पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर अवैध वसूली करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। कैमरे में रिश्वत लेते हुए ये डॉक्टर सोहन लाल आपको नजर आ रहे हैं। पहले भी कई बार भ्रष्टाचार की खबरें नेत्र विभाग से आ चुकी हैं। आखिर ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ क्यों ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। एटा मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग रूम नंबर 1 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एटा की तस्वीरें आप देखेंगे, रिश्वत लेते हुए जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं सोहन लाल, वो कैमरे में कैद हो गए हैं। लाइसेंस देने को नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और अवैध वसूली करते हुए वहां पर खड़े किसी व्यक्ति ने ये पूरा वाक्य कैमरे में कैद कर लिया और अब ये तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के आरोप उन पर लग चुके हैं। भ्रष्टाचार की खबरें नेत्र विभाग में सामने आ चुकी है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कब होगी, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। एटा मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग रूम नंबर 1 का ही पूरा मामला। सरोवर नगरी नैनीताल में एक बैठक आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी धीरज सिंह गप्रियाल ने की है। बैठक में राज्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि यहाँ पर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी को निर्देश दिए हैं नैनीताल के सभी कार्यालय को प्लास्टिक मुक्त बनाने और अपने अपने स्तर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक करना भी सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी ऋषभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा ललित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखा जाए तो नैनीताल में लगातार जो जिलाधिकारी है धीर सिंह गब्रियाल, वो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं और एक और बैठक हुई है। काजल, यहाँ पे बता दे, सरोवर नगरी नैनीताल में बैठक की गई थी। बैठक में मतलब राज्य में प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक के, उनका यहाँ पे मानसिक अधिकारियों को जिलाधिकारी निर्देश दिए हैं कि भाई किसी भी तरह की कोई भी दुकान पे और कहीं पे भी कोई भी प्लास्टिक का यूज ना करें, अगर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी काजल, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी चाहे वो किराना स्टोर हो या कोई वैसा ठेला हो या दुकान हो छोटी, वहां पर लोग खुद ही, जो ग्राहक होते हैं, खुद ही पॉलिथीन मांगते हैं कि हमें पॉलिथीन दे दीजिए, हमें अपना सामान इसमें रखना है, तो उनको किस तरह से जागरूक किया जाए, इसको लेकर क्या पूरी यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है? काजल, यहाँ पे जिलाधिकारी की मध्यस्थता में जो बैठक हुई है, उसमें क्या कहते हैं, यही तय हुआ था, क्या कहते हैं कि जिस तरह से अगर ये लोग मांगते हैं तो इनको न दिया जाए, और जैसे अगर कोई इस तरह से मांगता है तो उसको समझाया जाए कि भाई प्लास्टिक जो है काफी नुकसानदायक है, आप देख ही रहे हैं कि प्लास्टिक से जगह जगह आपके नुकसान हो रहे हैं, कचरा वचरा हो रहा है, और प्लास्टिक ऐसी चीज है काजल जो कोई गलती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो नालिया वाले शौक होते हैं, इसका मेन कारण जो है प्लास्टिक ही है काजल। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नैनीताल में अगर देखा जाए तो जिलाधिकारी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।